हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे एपेक्स लेजेंड्स में लूट के बारे में, आर्मर के बारे में एंड वेपन्स के बारे में। लाइक देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसके बारे में हम लोग और भी बातें करेंगे। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इसमें आर्मर चार तरीके के हैं एपेक्स लेजेंड्स में। फर्स्ट इज द वाइट आर्मर, सेकेंड इज ब्लू, थर्ड इज पर्पल एंड द फोर्थ इज गोल्ड आर्मर, लेजेंडरी आर्मर जिसको हम लोग कहते हैं। तो जो वाइट आर्मर है उसका जो डैमेज रिडक्शन है इज अराउंड 50% आपको देगा एक्स्ट्रा। एंड व्हेन यू हैव द ब्लू आर्मर, जब आपके पास ब्लू आर्मर होगा इट विल गिव यू 75% एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। एंड द पर्पल विल गिव यू 100% एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मतलब आपका जो डैमेज टेकिंग जो लाइफ होगा वो इट विल बी जस्ट डबल्ड। एंड गोल्ड इज नथिंग बट पर्पल विद एबिलिटीज, मतलब 100% डैमेज रिडक्शन प्लस एन एबिलिटी, जो शील्ड की एबिलिटी है, मतलब अगर आप किसी को एग्जीक्यूट करते हो, इफ़ यू परफॉर्म एन एग्जीक्यूशनर ऑन अ पर्सन हु इज नॉक्ड आउट, मतलब जो नॉक्ड आउट आदमी है उस पर अगर आप कोई एग्जीक्यूशनल मूव करते हो तो यू विल गेट फुल आर्मर, फुल शील्ड, एवरीथिंग। एक और चीज़ है बैग्स, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड जो बैग्स होते हैं इससे आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो जो ग्रे बैग होता है उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है +2, एंड द ब्लू बैग्स गिव यू +4, एंड द पर्पल बैग गिव्स यू +6, प्लस देयर इज अ गोल्ड बैग, लेजेंडरी बैग, जिससे आपको मिलता है एक एबिलिटी +6 का स्लॉट, एंड द एबिलिटी इज टू फास्ट हील। एंड ये फास्ट हील वाली एबिलिटी इतनी बेहतरीन है, मतलब द बेस्ट थिंग इन दिस गेम एज एन अटैचमेंट, एज अ लूटिंग थिंग जो आपको मिल जाए तो आपका मतलब एक गेम बढ़िया हो जाएगा। दैट इज द बैग विच आई लाइक अबाउट इट। लाइक आपका जो डैमेज आप लोगे उससे आपका जो हील करने का जो टाइम होगा इट विल बी इंस्टेंट। तो अगर आपको मौका मिले, डोंट फॉरगेट to take the gold back and it will improve your game. So एक और important चीज़ है game में जो कि है helmets. Helmets आपको protect करते हैं headshot से, जो कि इस game में is important, kind of important. और हर weapon जो कि आप लेते हो and सामने वाला लेता है, हर का अलग अलग level of damage points होते हैं when you get headshot. So getting a good हेलमेट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज यू गेट अ गुड शील्ड, गुड आर्मर। तो अगर आपके पास एक ब्लू हेलमेट है तो इट विल गिव यू डिसेंट प्रोटेक्शन, और अगर आपके पास गोल्ड हेलमेट है, लेजेंडरी हेलमेट जिसको हम लोग कहते हैं, तो यू विल गेट अ एबिलिटी ऑल्सो। उसमें एबिलिटी ये होती है कि आपका जो अल्टीमेट एबिलिटी का चार्ज टाइम होता है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, एंड इट हेल्प्स अ लॉट इन द फाइट्स विच यू टेक। जो भी आप फाइट्स आगे लोगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज द अल्टीमेट एबिलिटी एफेक्ट्स द फाइट्स एंड द हेलमेट एफेक्ट्स द अल्टीमेट एबिलिटी। सो आप लोग समझ ही गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट हेलमेट है एंड लेजेंडरी हेलमेट कितना हेल्प करता है। एक और चीज़ इस गेम में बहुत अच्छी है जो है नॉकडाउन शील्ड। नॉकडाउन शील्ड ये है कि अगर आप नॉक हो जाते हो तो आपके पास प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को एक शील्ड होती है। ये किसी और गेम में आपको नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि फोर्टनाइट, जैसे कि पबजी, जैसे कि और भी बैटल रॉयल गेम्स है उसमें नहीं देखने को मिलेगा। सो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ आफ्टर गेटिंग नॉक्ड आउट, दैट्स अ गुड थिंग। तो इसमें भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि ग्रे, जैसे कि ब्लू, पर्पल एंड गोल्ड। सो जो ग्रे होता है उसका अराउंड HP होती है 100, और जो आपका ब्लू होता है उसकी होती है 250, और जो पर्पल होता है उसकी होती है 750। एंड गोल्ड की भी एक खुद एबिलिटी होती है, गोल्ड नॉकडाउन शील्ड की एबिलिटी है, आप अपने आप को सेल्फ रिवाइव कर सकते हो, है ना, बढ़िया चीज। किसी टीममेट की भी जरूरत नहीं है, आप एक कोने में जाओ, छुप जाओ, एंड इफ द एनिमीज चूज टू इग्नोर यू सो यू गेट अ सेल्फ रिवाइव बिना किसी टीममेट की हेल्प के, बहुत बढ़िया चीज है, आई लव इट। सो इस गेम में 5 तरीके के वेपन्स हैं, 5 कैटेगरीज ऑफ वेपन्स। अब आप सोच रहे हो कि कौन से 5 कैटेगरीज हैं जो कि डिफरेंट है। सो इसमें शॉटगन, स्नाइपर्स, SMGs, असॉल्ट राइफल्स एंड स्नाइपर्स, ये 5 तरीके के वेपन्स हैं, और
हर एक गेम में आप एक ऐसे वेपन्स चुनोगे जो कि आपको लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज, ये तीनों का फायदा मिले। तो उस फाइट में आप लॉन्ग रेंज फाइट ले रहे हो या शॉर्ट रेंज फाइट ले रहे हो या मीडियम रेंज फाइट ले रहे हो, वो आपके जीतने के चांसेस उस पर डिपेंड करते हैं कि आपने कौन से वेपन सेलेक्ट किए हैं। लाइक इफ यू आर फाइटिंग लॉन्ग रेंज, तो अगर आपके हाथ में स्नाइपर है तो दैट विल बी अ ग्रेट एडवांटेज टू यू। एंड अगर आपके हाथ में एक पिस्टल है और आप मीडियम रेंज फाइट ले चुके हो, सो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलमोस्ट डेड। तो यू हैव टू चूज योर वेपन्स करेक्टली। और रही बात मेरी, सो मेरा जो फेवरेट वेपन लोड आउट है, जो कि आप लोग को पता होगा बहुत सारे लोगों को, इज विंगमैन। अगर आपको नहीं पता, बताना चाहूँगा, विंगमैन इज द बेस्ट पिस्टल इन द गेम। एंड इस पिस्टल का खास बात यह है कि इट कैन बी यूज मीडियम एंड शॉर्ट रेंज, एंड मोस्ट ऑफ द फाइट्स इस गेम में मीडियम टू शॉर्ट रेंज होती हैं। एज यू नो हाउ एग्रेसिव अ प्लेयर प्लेज, योर एनिमी प्लेज, तो हैविंग अ गुड पिस्टल लाइक विंगमैन विद एन SMG और अ शॉटगन इज माई फेवरेट लोडआउट। SMG कैन इंक्लूड R99 और अल्टरनेटर, और इफ आई हैव अ शॉटगन आई विल प्रेफर एन EVA 8 ऑटो, और इफ नॉट देन अ पीस कीपर। एंड इससे एक परफेक्ट लोडआउट तैयार होता है, बिकॉज आई कैन यूज द विंगमैन एज गुड एज एन असॉल्ट राइफल और अ स्नाइपर। सो या दैट इज द बेस्ट लोडआउट फॉर मी। अब आपके लिए बहुत अलग अलग वेपन्स है, जैसे कि लॉन्ग बो, ट्रिपल टेक जिसमें एनर्जी एमो यूज होता है, असॉल्ट राइफल जैसे कि हेमलॉक, जैसे कि फ्लैट लाइन, उनमें हैवी एमो यूज होता है। एंड एक असॉल्ट राइफल है जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट है असॉल्ट राइफल, दैट इज R301 कार्बाइन। इट यूजेस लाइट राउंड्स, एंड लाइट राउंड्स आर अवेलेबल ऑल ओवर द गेम इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। एंड यू कैन यूज दैट कार्बाइन असॉल्ट राइफल एज अ प्राइमरी वेपन, एंड इट इज सो गुड। अगर आप एक बार यूज करोगे आप कहोगे ये तो बहुत सही चीज बताई है। देयर इज अनदर थिंग आई नीड टू मेंशन इन द वेपन्स इज स्पिटफायर। अभी राइट नाउ स्पिटफायर इज द इजीएस्ट, इज द मोस्ट यूज्ड वेपन इन दिस गेम, बिकॉज स्पिटफायर का जो एमो का मैगजीन, जो मैगजीन है, इज अराउंड 35। एंड इफ यू एक्सटेंड, इफ यू यूज अ अटैचमेंट कॉल्ड एक्सटेंडेड हैवी मैग, तो आपके पास एट मोस्ट 65 एमओ हो सकता है एक राउंड में। तो इफ यू आर इन अ फाइट, तो दैट 65 एमओ मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड यू कैन विन द फाइट इन जस्ट वन और टू मैगजीन्स। सो दैट्स अबाउट इट, एंड वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड वील टॉक अबाउट लॉट ऑफ न्यू स्टफ्स, एंड सी यू गाइज देन।